देखिए, साइबर क्राइम से जितने आप अवेयर रहेंगे, जितने सावधान रहेंगे, उतने ही आप सुरक्षित रहेंगे। नया तरीका चला है, आपको कहेगा कि बैंक अकाउंट आपका बंद हो रहा है, एक आपको लिंक दे रहा है, उससे आप अपना चेकिंग कर लीजिए और अकाउंट सिक्योर कर लीजिए। मतलब ओटीपी की भी जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट साफ। ध्यान रखिएगा, कोई भी लिंक अगर आती है तो उस पर आपको साइन इन करने की जरूरत नहीं है, लिंक में जाने की जरूरत नहीं है। ये साइबर अपराध का नया तरीका है। और कोई भी आप ध्यान रखें, कोई भी अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो महाराज कम से कम किसी से भी पूछ लें, जिस आपको डाउट है कि ये सिक्योर नहीं है, सही नहीं है, तो एक बार आप कंफर्म कर लें। इसमें क्या जा रहा है कंफर्म करने में, किसी भी चीज़ को तेजी दिखाने से अच्छा है कि एक बार हम उसे समझ लें या लोगों से पूछ लें, जो भी आपको लगते हो, जिनको आप समझते हो, पुलिस को समझते हो, पुलिस को कोई आपका दोस्त हो जो थोड़ा सा भी समझता हो, तो ऑनलाइन ठगी से बचा जा सकता है। कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले, चाहे आप परचेजिंग ही क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि आपका परचेज करते हो, आजकल सबसे ज़्यादा ठगी कैसे होती है, आपने परचेजिंग किया तो आपका पार्सल आएगा, ठीक। अब आपने सोचा ही नहीं कि पार्सल जहां आया वहां पे भी ठग लगे, वहीं से आपका नंबर डिटेल ले लिया, और नंबर डिटेल लेने के बाद आपको उन्होंने कॉल किया कि आपका पार्सल रुक गया है, आप इसमें कुछ और फोन पे पे पैसे डालिए। तो सीधी सी बात, आप उसमें फोन पे पे क्यों डालेंगे पैसे, आपने जिस ऐप के थ्रू किया है, अगर आपका पार्सल नहीं आता तो आप उस ऐप में जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिफंड मिलेगा या आपका पार्सल आएगा। तो ये सावधानी बरतने की जरूरत है कि इस तरीके की चीजें आएंगी, उन पे आप अपना ध्यान ना दें, और जो प्रॉपर चीज चैनल है या जो प्रॉपर ऐप है उसके थ्रू जाना है। और एक गलती मत करिएगा, अक्सर लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो गूगल पे हेल्पलाइन साइट खोजने लग रहे हैं। जितनी भी हेल्पलाइन साइट है इन सबों की मिलती जुलती उसके जैसी बना रखी है उन लोगों ने, वही शो करती हैं, उसमें सारे 420 के नंबर हैं और उनमें फंस के आदमी और उल्टा दे बैठता है, कॉल सेंटर उन लोगों ने खोल रखे हैं। तो साइबर में बहुत तरीके के रोज अपराध के तरीके आते हैं साइबर क्राइम के, तो अभी फिलहाल सावधानी बरतने की जरूरत है। जब तक एंड पॉइंट अपराध का नहीं आ जाता, जब तक फोन वेरिफिकेशन नहीं हो जाते, तब तक आपको एंड पॉइंट का ध्यान रखना है। थैंक यू।